हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेताज किचन। आज हम चॉकलेट कुकी बनाएंगे जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है और आटे और बेसन से बन जाती है। मैदे की भी जरूरत नहीं है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल बटन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए हम बनाते हैं चॉकलेट कुकी। तो चॉकलेट कुकी बनाने के लिए मैंने चाय के कप से ही मेजरमेंट लिया हुआ है। तो मैंने इसमें एक कप आटा ले लिया है, नॉर्मल आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसान नहीं करता। फिर आधा कप बेसन ले लिया है, उसके बाद एक कप पिसी हुई चीनी ले ली है, इसको मिक्सर में ही पीस लिया है। तो ये तीनों चीज़ मेन इंग्रेडिएंट है, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। इस कुकी को ना ही हम किसी ओवन में बनाने की ज़रूरत है और ना ही मैदा डालने की ज़रूरत है, तब भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। उसके बाद मैंने चॉकलेट पाउडर डाल दिया है, आप चाहे तो कोको पाउडर भी डाल सकते हो। अगर हम कोको पाउडर डालते हैं तो वो कम डालना पड़ता है, लेकिन चॉकलेट पाउडर को ज़्यादा डालना पड़ता है। ये चॉकलेट पाउडर वो है जो नॉर्मली हम चॉकलेट मिल्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर लगभग 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल गया है, उसके बाद में बेकिंग सोडा भी डालना है 2 चुटकी ही, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, फिर अच्छे से मिक्सर को मिक्स करना है। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट इकट्ठे हो गए हैं, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके अलग रख देंगे। और उसके बाद में इसमें हम डालेंगे बटर। बटर ऑप्शनल है, उसकी जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बटर और शुद्ध घी का दोनों का यूज़ किया है, आप अकेले बटर में भी बना सकते हैं। सच बताऊं तो अगर अकेले हम बटर में बनाएंगे तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, पूरा बटर फ्लेवर आता है। वैसे तो आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद में मैंने इसका शहद का यूज़ किया है, तो मैंने शहद डाल दिया जिससे बाइंडिंग इसकी अच्छी हो जाएगी। तो लगभग 2 स्पून शहद डाल दिया, ये भी ऑप्शनल है। तो शहद डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, अच्छे से इसका एक डो बनाना है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी पानी नहीं यूज़ करना है। तो इसमें हम दूध और घी का यूज़ करेंगे जिससे अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। दूध भी हमें लगभग 2 स्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए अच्छे से मल मल के इसको मिक्स करना है। सारी इसमें जो भी नॉट पड़ रही हैं, लम्स पड़ रहे हैं, गठाने पड़ रही हैं, उन्हें हटाना है हाथों की सहायता से। देखिए डो बनने लगा है, अब इसमें 2 स्पून दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है जिससे इसकी बाइंडिंग बन जाएगी, ये एक डो की तरह प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसका हमें अच्छे से डो बनाना है। तो देखिए डो बनने लगा है लगभग, तो ऐसे इसे मिक्स करना है, क्योंकि खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये घर में बनाई हुई है। तो आप कभी भी इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। घर में जो भी आपके सामान है उन्हीं से बन जाती है, अलग से कुछ लाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चॉकलेट भी नहीं है आपके पास चॉकलेट पाउडर, तो आप बिना चॉकलेट पाउडर के बना लीजिए, तब भी वो बहुत अच्छी लगेंगी। तो देखिए हमारा डो तैयार हो गया अच्छे से। मैंने इसके लिए 1/4 कप दूध लिया था, वो सारा बच गया है, केवल 2 स्पून में ही अच्छे से काम हो गया है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट के बाद हमारा डो अच्छे से सेटल हो गया है, आटा अच्छे से सेटल हो गया है। अब इसकी लोइयाँ काट लेंगे, इसकी बराबर साइज़ की सारी लोइयाँ काट लेते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप बड़े साइज़ की कुकी बनाना चाहते हो या छोटे साइज़ के बनाना चाहते हो। मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है, तो सारी बराबर साइज़ में सारी लोइयाँ वो काट लिया है मैंने। अब इसके लड्डू से बना लेंगे। देखिए ऐसे लोइयाँ बना के को चिकना करके लड्डू से बनाना है, लड्डू बनाने हैं इनके। तो देखिए देखते जाइए ध्यान से कि कैसे बनाना है। हमारा 1 कप आटा, आधा कप बेसन और 1 कप चीनी में हमारी 10 से 12 कुकी तैयार हो जाती हैं। तो देखिए सारी कुकी बन गई है, अब इनको प्रेस करके कुकी का शेप देना है। मैंने एक प्लेट ली है, उसमें मैं कुकी को बना के रखती जाऊंगी। तो देखिए ऐसे दबाने के बाद कुकी का शेप तैयार हो गया है, उसे प्लेट को ग्रीस करने के बाद उसमें जमाते जाएंगे। ये प्लेट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ
क्योंकि मैं इसे गैस पे बनाने वाली हूँ, इसी प्लेट में मैं इसकी बेकिंग करूँगी। अलग से मैंने कोई बेकिंग ट्रे भी नहीं ली है। सच बताया, जब से मैंने ये कढ़ाई और कुकर वाला बेकिंग का आइडिया पाया है, तब से मैंने ओवन वगैरह सारा छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी से बेकिंग हो जाती है और बहुत ही कन्वीनियंट है। तो देखिए, अब कुकी का शेप भी दे देंगे, डिज़ाइन बना देंगे उसमें नाइफ की सहायता से। देखिए, सारी कुकी में ऐसे ही कट लगाना है जिससे ये देखने में बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने बादाम को क्रश करके रखा था, तो उसको भी मैं इसमें लगा देती हूँ, जो कि खाने में और देखने में दोनों में बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाली कुकी को मैं बेक करूँगी कढ़ाई में, और जो बची हुई कुकी है उन्हें मैं एयर फ्रायर में कुक करूँगी। आप चाहे तो इन्हें ओवन में भी बेक कर सकते हो, गैस ओवन में, इलेक्ट्रिक ओवन में, किसी में भी बेक कर सकते हो, बस उनका टाइमिंग डिफरेंट रहेगा। तो मैंने जो कढ़ाई ली थी उसे लो फ्लेम पे रख दिया है, उसमें नमक बिछा दिया है, आधा कप नमक डाल दिया था। अब मैंने ये कुकी की ट्रे को इसमें रख दिया है। इसको हम लगभग 15 से 20 मिनट में पकाएंगे। 15 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा पकी है कि नहीं। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए, और बाकी की बची हुई कुकीज़ को मैंने रख दिया है एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में भी हमें लगभग 10 मिनट में ही रखना है, 10 मिनट के लिए रखेंगे इन कुकी को भी। एयर फ्रायर में बहुत अच्छे से पक जाती है, और इसकी ऊपर लेयर भी अच्छे से पक जाती है, तो उसका कलर दोनों साइड से अच्छा आता है। जबकि हम अगर गैस पे बेक करते हैं तो उसका कलर ऊपर से ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, मतलब ब्राउनिश नहीं होता है, क्योंकि उसकी नीचे की लेयर अच्छे से बेक होती है। तो लेकिन टेस्ट दोनों में बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, हमने एयर फ्रायर में कुकी को रख दिया है, ये लगभग 10 मिनट में पक जाएंगी। लेकिन जब 10 मिनट बाद आप कुकी को चेक करेंगे तो ये सॉफ्ट रहेंगी, ये मत सोचिएगा कि ये पकी नहीं, ये पक जाती है। इनको ठंडा होने के बाद ही ये क्रिस्पी होती हैं, तो ठंडा होने के बाद हमारी कुकी बहुत ही क्रिस्पी हो जाती हैं। तो देखिए, ये हमारी जो गैस में बनाई थी कढ़ाई में, वो कुकी तैयार हो गई है। तो दोनों तरह की कुकी हमारी तैयार हो गई हैं। चलिए, इनको खाइए और इनकी मज़े लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। एंजॉय योर मील। बाय बाय।